अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख, मेरा नाम मोहम्मद नवाज है। मेरा एक सवाल है, असर से पहले चार रकात पढ़ने वालों पे अल्लाह रहमत नाज़िल करता, अगर मैं कुछ काम की वजह से फर्ज नमाज जमात से न हुई, बाद में अगर मैं अकेले में अगर फर्ज नमाज पढ़ा असर, या उससे पहले मैं चार रकात सुन्नत पढ़ सकता हूँ? यही मेरा सवाल है, इसका जवाब दी। जज़ाकअल्लाह खैर। ये हमारे एक भाई साहब हैं, इनका पूछना ये है कि मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ, उससे पहले सुन्नत का भी जिक्र मिलता है, तो कभी कोई नमाज छूट जाए तो जब फ़र्ज़ नमाज में बाद में अलग से पढूं तो सुन्नत भी पढ़ सकता हूँ कि नहीं? यानी जैसे फ़र्ज नमाज छूट गई है, उसकी कज़ा कर रहे हैं, तो सुन्नतों को भी कज़ा कर सकते हैं कि नहीं? तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपकी फ़र्ज़ छूट गई है, उसे बाद में पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, साथ में सुन्नत छूट गई है तो सुन्नतें भी बाद में आप पढ़ सकते हैं। जो चीज़ मशरू है आपके शेड्यूल में, वो चीज़ थी बराबर आप पढ़ रहे थे, वो चीज़ छूट रही है तो आप बाद में उसकी कज़ा कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ससम से भी बाद रातों में मिलता है कि अल्लाह के नबी ससम से भी फजर की सुन्नतें कभी रह गई तो आप ससम ने बाद में उसकी कज़ा किया। सही बुखारी वगैरह की रवायत है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने उस पर फतुल बारी में तफसील पेश की है। तो अल्लाह के नबी ससम की भी बाज़ रवायात से इसकी तरफ इशारा मिलता है। इसलिए अगर किसी की फ़र्ज नमाज छूट गई है और वो बाद में कज़ा कर रहा है तो फ़र्ज की कज़ा तो उस पर वाजिब है, जो सुन्नत साथ में छूटी है उसकी कज़ा वाजिब नहीं, लेकिन अगर उसकी भी वो कज़ा करना चाहे तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी कुछ आम हदीसों से भी इसकी तरफ इशारा मिलता है। जैसे तहज्जुद की नमाज है, ये वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी रात सो गया, नहीं पढ़ पाया, तो दिन में उसके लिए गुंजाइश दी गई है कि वो दिन में पढ़ सकता है। तो इस तरह की अहादीस से पता चलता है कि अगर किसी के मामूल में कोई सुन्नत थी और वो किसी दिन चूक गया, कोई बात होगी, तो बाद में उसको रिकवर कर सकता है, बाद में उसको कज़ा कर सकता है। ऐसे रोज़े का मसला देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा नहीं रखना है, तो एक सहाबी थे जो हर महीने के आखिर में रोज़ा रखते थे, उनका एक मामूल था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि रमज़ान से एक दो दिन पहले रोज़ा नहीं रखना है, तो वो जो मामूल का रोज़ा उनका था, सहाबी रखते आ रहे थे, उनका वो रोज़ा इन्हीं दिनों में पड़ गया तो नहीं रखा उन्होंने। तो आपसे उन्होंने पूछा, तुमने इस महीने के आखिरी दिनों का रोज़ा रखा? उन्होंने कहा नहीं। तो कहा कोई बात नहीं, रमज़ान के बाद इसकी जगह पे रख लेना। तो वो भी कोई फ़र्ज़ रोज़ा नहीं था, नफिल था, छूट गया, सहाबी से नहीं रह सके। तो आप सलसम ने कहा कि बाद में रख लेना। तो ये और जैसी बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि नफिल जो इबादत है वो आपसे छूट गई है, चाहे वो रोज़ा हो या नमाज हो, तो बाद में आप उसकी कज़ा कर सकते हैं। अलबत्त रोज़े के सिलसिले में कुछ ख़ास किस्म के रोज़े हैं जिसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। अक्सर कहते हैं इसकी कज़ा नहीं होगी, जैसे शव्वाल का रोज़ा है, वो एक ख़ास वक्त से जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं वो वक्त निकल गया तो आप उसको बाद में नहीं कर सकते। लेकिन अमूमी तौर पर जो रोज़े हैं, एक आदमी ने मामूल बना के रखा है तो वो नहीं हो सके तो बाद में वो रख सकता है, इसे सुन्नत को भी बाद में वो कज़ा कर सकता है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।